2 घंटे 12 मिनट की फिल्म जिसमें 53 मिनट के गाने, फिर भी फिल्म सुपरहिट। नमस्कार। इन दिनों बॉलीवुड में अच्छी फिल्मों का दौर चल रहा है, लेकिन एक समय बीच में 2001 से 2003 में ऐसा भी आया जिसमें अच्छी फिल्में नसीब ही नहीं हो रही थी। ऐसे में आज के सुपरस्टार सलमान खान एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिससे देखते देखते लोग रोने पर मजबूर हो गए। यही वो समय था जब पहली बार सलमान खान के काम को सबसे ज्यादा सराहा गया था। आइए जानते हैं ये कौन सी फिल्म थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित फिल्म तेरे नाम की। इस फिल्म में सतीश कौशिक ने एक बेहतरीन लव स्टोरी को बहुत ही नाजुक और इमोशनल तरीके से पेश किया। उनका ये तरीका पूरी दुनिया को पसंद आया। सलमान खान के करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक तेरे नाम ही है। हम आपको बता दें कि ये फिल्म 2 घंटे और 12 मिनट की है जिसमें कुल 53 मिनट के सिर्फ गाने ही हैं। फिल्म फिर भी ये फिल्म सुपरहिट क्यों हो गई तो आपको बखूबी पता ही है। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर अमर हैं। दोस्तों, इस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।